हमारे घर के बाहर एंट्री है, बैठे अपने बाबा जी मतलब हमारे दादाजी, गाड़ी बिल्कुल साफ खड़ी है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे यार बस भाई सुबह सुबह ही गिरन लगे, चल सही रख लो, चलो जय समाजवादी। हाँ जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भैया सुबह के बज रहे हैं, मैं बताऊंगा, वेट 9:05। तो भाई उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई कल मैंने ना आस्क मी अ क्वेश्चन डाला था अपने इंस्टाग्राम पे ये पूछने के लिए कि मेरे व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं। तो भाई बहुत तगड़ा रिस्पांस था, मजा आ गया, इतना प्यार देख के, इतना सपोर्ट देख के दिल खुश हो गया मेरा। ओह शिट मैन, 1.5 लाख के मजाक कर रहा हूँ भाई, 2000 रुपये के थे वो तो मैंने डाल दिया था ऐसे मजे के लिए, मैंने कहा चलो बढ़िया है, ये मेरे को मिल लेते 4,500-5,000 रुपये के, पर डिस्काउंट ला के पता नहीं क्या जुगाड़ ला के मेरे को 2000 रुपये के मिले। देख रहे हो भाई बहुत दूर तक बातचीत है। तो भाई यहाँ से चलेंगे जिम। तो बहुत से लोगों की डिमांड ये थी कि अनिकेत भैया या अनिकेत भाई या अनिकेत जिम की वीडियो ऐड करा करो। तो आज पहले तो मेरे को लगता है मेरा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट है, बट हैमस्ट्रिंग मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे लोअर बैक में दर्द हो रहा है। अगर मैं बैक भी करूँगा तो बैक में भी दर्द है, बट ट्राई करूँगा मैं बैक का वर्कआउट करने की। तो यहाँ से मैंने भी डाइट ली है अपनी, डाइट में मैंने 3-4 अंडे खाए हैं। अंडे खाने के बाद अपना एक सेब खाया है, अब उसके जस्ट 15-20 मिनट बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। सो सीधे मिलते हैं आपको यहाँ से जिम में। हाँ जी भाई, तो अपना वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, आज था अपना बैक का वर्कआउट। अब तुम सोच रहे हो कि भाई तुमने बोला था कि वर्कआउट दिखाऊंगा, बट दिखाया नहीं मैंने, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई वर्कआउट करते टाइम मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट की ही तीन मतलब 10-12 मिनट की जो भी है अपनी एक वीडियो निकालूँ। सो गाइज वर्कआउट वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, वो भी अपने रेगुलर व्लॉग्स में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वर्कआउट वीडियो के लिए तैयार रहना। और अब यहाँ से नहाऊँगा नीचे जिम में जाके, नहा धो के सेट होके फिर आगे का जो भी सीन रहेगा वो दिखाते हैं आपको चल के, ठीक है भाई। अभी हम जा रहे हैं गाजियाबाद, आसिफ भाई की गाड़ी आ चुकी है। भाई तुम्हें बताऊं आसिफ भाई ने ले ली टू सीटर दिखा दी भाई। भाई आसिफ भाई ने 2 सीटर ले ली गाइस। अब भाई क्या कहते हैं, ये मुझसे कह रहा था कि भाई सनरूफ वाली लूंगा, इसने ऐसे ले ली 36 साली गाड़ी में। तो भाई अभी हम चलते हैं सीधे यहाँ से आमिर भाई की शॉप पर। आज गाड़ी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवानी है, वो मैं आपको वहीं बताऊंगा क्या मॉडिफाई करवाना है क्या नहीं है। तो सीधे यहाँ से आमिर भाई के पास। हाँ जी भाई, तो आमिर भाई को देख के आप जान चुके होंगे, अभी हम आए हैं भाई के शॉप पर और आज हमारी गाड़ी में होने वाला है बहुत तगड़ा मॉडिफिकेशन। आमिर भाई क्या करवाओगे गाड़ी आज? भैया गाड़ी के अंदर ये होगा भाई की जो कंपनी के स्टॉक स्पीकर होते हैं महिंद्रा गाड़ी के अंदर, इसमें क्लियरिटी नहीं होती, फुल वॉल्यूम करते हैं तो भी आवाज नहीं आती इसके अंदर बढ़िया। अब इसके अंदर हम पता क्या भाई बात बता रहा हूँ, महिंद्रा कंपनी में जो स्पीकर दिया है सबसे बेकार। महिंद्रा के अंदर कोई सी भी गाड़ी ले लो इसके अंदर क्लियरिटी नहीं होती, यहाँ तक की टोयोटा फॉर्च्यून ले लो, अब जाकर उन लोगों ने अपग्रेड करे फॉर्च्यून में भी, पर ना पहले भी कोई क्लियरिटी नहीं आती इनके अंदर, आवाज भी फटती है। अब हम इनके स्पीकर निकाल के ये स्पीकर अपग्रेड कर रहे हैं इसके अंदर मोरेल कंपनी के। मॉडल के अंदर एक स्टार्टिंग रेंज जो होती है वो कंपोनेंट आते हैं 10-11 हज़ार की रेंज के, अब इसके अंदर सेकंड जनरेशन जो आ रही है हाई एंड वाले वो 21-22 हज़ार के कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स वो लग रहे हैं भाई की गाड़ी में, एक एम्पलीफायर लगेगा सर्वन मेगा का, JBL का इनक्लोजर लगेगा और जीरो गेज की वायरिंग लगेगी, और एक DSP भी लगाएंगे भाई की गाड़ी में। कुल मिलाकर खर्चा क्या आ रहा है बताओ? भाई लमसम बैठेगा 4 कंपोनेंट्स तो तुम्हारे 40 हज़ार के तो कंपोनेंट्स हो गए, एक एम्पलीफायर हो गया 15 हज़ार का हाई एंड वाला 55 हज़ार रुपये हो गए, और एक इनक्लोजर हो गया विद पेटी के अंदर वो 8.5 हज़ार का है, वायरिंग हो गई तुम्हारी 4500 रुपये की वायरिंग हो गई, और एक DSP लग रहा है मॉडल नंबर 7600। कितने का हो? वो 28,500 का, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, मतलब 70-80-90 मतलब 95,000 रुपये का रुपए के। पर ये है कि भाई जी गाड़ी के अंदर लाउड ही आएगी, इसे कहते हैं भाई देखो लाउड की गाड़ी बता रहा हूँ, बेस ट्यूब तो हर कोई लगवा ले, एक होता ना भर भर करना, नहीं नहीं वो चीज वो नहीं है, गाड़ी में साउंड ही आएगा भाई, क्लियरिटी और लाउड
बस यही चीज आएगी, ना बाहर आवाज इतनी आएगी ना बांस फटेगी इतनी आवाज। तो भाई एक बार पहले सिस्टम होने दे गाड़ी का, एक बार बाहर जाके पूरा सिस्टम जोड़ा गाड़ी में, काम के बाद मिलते हैं। बोल दिया तो भाई अपना काम हो चुका है स्टार्ट, देख रहे हो नंबर प्लेट ही बनवा दी अब तो भाई ने, तकड़ी बातचीत है। हाँ जी, डैम्पिंग होगी स्टार्ट, बस शुरू हो गई डैम्पिंग आपकी। भाई ये है अपनी सीट जो मेन सीट, तो पीडीक्यू पे करवा देना। क्या क्या इससे होगा? मोरेल ब्रांड की है ये, साउंड प्रूफिंग के लिए होती है। अच्छा, हाँ जी, सबसे मतलब हाई क्वालिटी है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी है। डैम्पिंग तो बहुत आ रही है, कॉपी आती है, पर ये मोरेल ब्रांड है। जाके मुंह पे लग सका है भाई ये है अपना भाई एक नंबर। सुनो दिल, सुनो क्या कहते हैं, अगर किसी को अपनी गाड़ी वाड़ी में काम करवाना हो, कांटेक्ट कैसे करें, नंबर बता दो भाई। 8826213552 स्क्रीन पे नंबर डाल दिया, स्क्रीन पे नंबर डाल दिया भाई, मेरा नाम लोगे आके डिस्काउंट मिलेगा 100%। ये है अब आसिफ भाई, कह दो आसिफ भाई अपनी गाड़ी दिखाओ, कुछ काम हो रहा तुम्हारी गाड़ी में भाई अपनी गाड़ी में जो थे वो ये वाले स्पीकर थे, अब जो लग रहे हैं ये। कितना भरा कर देंगे जमीन आ जाए, खाली पत्ती हो, ये मामला मोटा लगाओ लगाओ। अब ये लगेगा इसमें 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 इसमें, फिर डिग्गी में दो मामला सही। तो गाइस भूख लग रही है बहुत तकड़ी, अब तुम सोच रहे हो मैं इस गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ। अभी हम जाएंगे इसमें, अपनी गाड़ी खड़ी है एलिगेंट ऑटो स्टॉप, वहाँ पे है अपनी गाड़ी खड़ी, काम हो रहा है और भूख लग रही है हमें बहुत ही तकड़ी। आए पूरा तू गाड़ी में बैठ कर भाई, काम तगड़ा ही चल रहा है भाई, जीरो टंकी देख रहे हो, टंकी फुल है भाई, काम तगड़ा ही चल रहा है भाई। तो भाई यहाँ चलते हैं सीधा गाजियाबाद, राजनगर में था राजनगर लोकेशन, मतलब गाजियाबाद में तो है ही लोकेशन, तो मेरे पास आ गई, तू यहाँ से लेफ्ट ले ली पहली गली से। बाबा गर्मी कुछ कह रही है गर्मी भाई, बहुत तगड़ी भूख लग रही है। भाई ने बताया 0 डिग्री, भाई का दोस्त था एक का, उत्तराखंड गए थे अनिकेत भाई मैं, तो बेहतरीन मौसम हो रहा था भाई। भाई अब ये मान लो एक महीने की बात हो रहा है, एक से दो दूसरा महीना पूरा लगेगा नहीं, दूसरे महीने के मिड तक ही ट्रैवलिंग व्लॉग निकालूंगा और पार के हर महीने ट्रैवलिंग व्लॉग, हर महीने छोड़ो हर हमारे साथ चल दो ना भाई, कश्मीर जा रहे हैं ना, वो हां तो दुबई जा रहे हैं हम, दुबई हम दुबई जाएंगे से लेफ्ट, तो जाओ दुबई जाओ। तो गाइस अभी हम पहले खा ले उसको, यहां से खा पी के सेट होके, ये है अपना किटकैट शेक जो मेरा फेवरेट है, ऊपर से फ्रेंच फ्राइज, फिर ये चिकन सैंडविच, ये ओहो। तो भाई ये है अपना 0 डिग्री, राजनगर में है ये, काफ़ी अच्छा इसका खाना मिलता है, तो आमिर भाई के दोस्त का है ये, तो यहाँ से खा पी के चलते हैं फिर गाड़ी के पास। हम आए थे यहाँ पे 12:30 और अब बज रहे हैं 5:40। तो भाई हमें हो गया लगभग लगभग 4.5 घंटे हो गए इस गाड़ी में काम करवाते करवाते, पूरी गाड़ी की हुई है डैम्पिंग और सिस्टम लग रहा है, सिस्टम सुनाऊंगा तुम्हें फार्म हाउस पे जाके, बस भाई देखना अभी और पार का मैटर है, क्यों है बढ़िया देख ले, चलो भाई सिस्टम लगा दो उसके बाद मिलते हैं आपको। भाई जितनी भी हमारी गाड़ी में मेहनत है इनसे ज्यादा इन भाइयों की है, अगर कोई भाई इनमें जॉब पे रखना चाहता तो नहीं भाई सुन भाई ये लड़का जॉब छोड़ना चाह रहा है यहाँ से, छोड़ेगा छोड़ेगा भाई इनकी बहुत मेहनत है, हमारी मेहनत क्या कहते हैं वसूल है पूरी। भाई तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, और भाई हम गए थे 12:30 और अब बज रहे हैं 8:09, ये मान लो 7 से 8 घंटे हो गए भाई हमें गए हुए, 8 घंटे की मेहनत है इस गाड़ी में। अब तुम सोच लो सिस्टम लगवाया है गाड़ी में, कुछ ना कुछ तो लगवाया ही होगा भाई, मैं कह रहा हूँ आर पार का सिस्टम मेरा खुद बता रहा हूँ, बहुत सी गाड़ियों में बैठा हूँ, बहुत सी गाड़ियों में अपनी गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा पर बहुत सी गाड़ियों में बैठा हूँ भाई, सिस्टम सुनवा दूंगा बिल्कुल
छोड़ो कुछ क्या होना सुन लो कुछ सुनो म्यूजिक सिस्टम जो अपने भाई आमिर भाई ने लगाया है। आमिर भाई का नंबर डाल रहा हूँ, ये नंबर है आमिर भाई का, ठीक है भाई। किसी को भी कांटेक्ट करो, गाड़ी के लिए कुछ भी मॉडिफिकेशन करवानी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, अपने भाई का नाम लेके करवाओगे डिस्काउंट मिलेगा 110%। तो भाई मेरा दिल तो बहुत खुश है, आमिर भाई व्लॉग देख रहे हो तो भाई थैंक यू सो मच। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इतना अच्छा सिस्टम लग जाएगा, और वो भी स्कॉर्पियो में। भाई गाड़ी में ना सबसे बुरी चीज़ें होती है, वो सिस्टम लगवा के बचती है, पर भाई उन्होंने जो डैम्पिंग वगैरह करी है ना बहुत तगड़ी सिस्टम, वायरिंग वगैरह भी बहुत खेल होता है इस चीज़ का, पर बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, ऐसे प्यार से सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टाटा, टेक केयर, एंजॉय।